हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मूनलाइट क्रिएशन पर। तो आज हम बनाएंगे छोटे छोटे से सेंटा घर पे क्रोशिए से। तो आइए देखते हैं सेंटा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए लगेगा थोड़ा सा ब्राउन ऊन फेस के लिए, थोड़ा सा वाइट ऊन और थोड़ी सी रेड ऊन, और इसके अलावा लगेगा एक क्रोशिया। ये मैंने 9 नंबर का क्रोशिया यहाँ पर लिया हुआ है, तो बस इतनी चीज़ों से सेंटा बनकर रेडी हो जाएगा और थोड़ी सी ब्लैक ऊन लगेगी आईज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटा बनाना, ये फेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम बनाएंगे ब्राउन कलर से। सबसे पहले इसी तरह से नॉट बनाकर हम स्टार्ट करेंगे। ये पहला नॉट बना के हमें मिल गया है। अब हम इस पर 2 चैन बनाएंगे, 1 एंड 2। जो फर्स्ट चैन है इसके अंदर हम स्टिचेस बनाएंगे, तो इसके अंदर हम स्टिचेस बनाएंगे 8 ट्रिपल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे हम। तो ये हमारे 8 ट्रिपल क्रोशिया बनकर रेडी हो गया है इसमें। अब हम इसे यहाँ पे बंद कर देंगे सर्कल को। तो बंद करने के लिए हम जो हमने फर्स्ट चेन के लिए जो लिया था नॉट, यहाँ से लेकर इसे इस तरह से और इसे बंद कर देंगे। ये हमारा सर्कल क्लोज हो गया है। तो ये हमारा सर्कल बनकर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन, और जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई है वापस इसी में 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह से हम हर स्टिच के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे, 1 एंड 2। इसी तरह से जो नेक्स्ट नॉट है इसके अंदर भी 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 स्टिचेस हमने बना दिए, 1 एंड 2। नेक्स्ट में भी हम 2 बनाएंगे। तो ये हमारा सर्कल बनकर रेडी हो गया है, दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट लाइन में हमने 8 स्टिचेस बनाए थे, तो और सेकंड लाइन में हमने हर स्टिच के अंदर 2 बार बुना था, तो ये 16 स्टिचेस हमें सेकंड लाइन में मिल गई हैं। अब हम इसे वापस यहाँ पे ऐसे ही क्लोज कर देंगे, एंड पे आकर सर्कल को क्लोज कर देंगे इस तरह से, एक में सिंगल स्टिच और एक में डबल स्टिच। इस तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, एक बार सिंगल स्टिच और एक बार डबल स्टिच, एक सिंगल स्टिच फिर नेक्स्ट में डबल स्टिच। वापस इसे एक सिंगल स्टिच से हम क्लोज कर देंगे सर्कल को, और ये हमारा फेस बनकर कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो फेस को छोटा या बड़ा भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ सेंटा। आपको जितना बड़ा सेंटा बनाना है या जितना छोटा बनाना है उसके हिसाब से आप सर्कल बना सकते हो। तो ये सर्कल कंप्लीट हो गया, और ये थ्रेड को हम काट देंगे यहाँ से, जो थ्रेड है इसे हम छुपा देंगे पीछे। तो ये हमारा फेस रेडी हो गया है बनकर। अब हम इस फेस के ऊपर व्हाइट कलर से एक सर्कल बनाएंगे पूरा। तो ये हमने व्हाइट थ्रेड को कनेक्ट कर दिया है, 2 चैन यहाँ पे बना दिए। अब इसमें एक पूरा राउंड हम व्हाइट थ्रेड से बना देंगे। वापस उसी तरह से एक सिंगल स्टिच, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल स्टिच, अगेन सिंगल स्टिच, उसके बाद वापस फिर से डबल स्टिच। ये सर्कल बनकर हमारा रेडी हो गया है। वापस धागे को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे हम सिंगल स्टिच से इस तरह से। ये सर्कल कंप्लीट हो गया है हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये व्हाइट से सर्कल बनकर कंप्लीट हुआ है।
अब हम किसी भी एक साइड को हेड कैप इसकी बना लेंगे। ये जो कैप बनी है यहाँ से ऊपर, किसी किसी भी एक साइड को ऊपर कैप बना लेंगे और एक साइड को नीचे बियर्ड बना लेंगे। तो यहाँ से ऊपर को कैप बना लेती हूँ मैं पहले। तो ऑलमोस्ट इतने एरिया में बनाएंगे हम, 12 स्टिचेस के बीच में, इतने में हेड कवर हो जाता है कैप से। ये हम अपने आइडिया से भी बना सकते हैं कि कितने में हमारा ऊपर हेड का एरिया कवर होगा कैप से, कितना कैप का सरफेस आता है उतने में हम कैप बना सकते हैं। तो मैं 12 स्टिचेस लूँगी इसमें, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं रेड थ्रेड को कनेक्ट कर दूँगी। तो ये हमें रेड से मिल गया है नॉट। अब हम इस पे 2 स्टिचेस बना लेंगे। 2 स्टिचेस बनाने के बाद हम इसे आगे यहाँ से 12 स्टिचेस बुन लेंगे इस पे। तो ये बुनते हैं ट्रिपल क्रोशे से, हम ये पूरा बना रहे हैं अभी। तो ये हमारे 12 स्टिचेस बन के रेडी हो गए हैं। अब हम एक चैन बनाकर इसे टर्न कर देंगे। और अब ऊपर को हमें इसे नैरो करना है, इसे ट्रायंगुलर शेप देना है। तो इसमें हम एक एक चैन, एक एक हम लास्ट के स्टिच को दोनों साइड से छोड़ते हुए चलेंगे। तो अभी एक को छोड़कर हम नेक्स्ट में बनाएंगे स्टिच, और बाकियों में इसी तरह से बनाएंगे। ये हमने एक स्टिच इस साइड से छोड़ दी थी और एक हम इस साइड से छोड़ देंगे अभी। और इसको यहीं से हम टर्न करके बैक साइड में बुनेंगे। वापस हम एक स्टिच इधर से छोड़ेंगे। लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस ओनली बची हुई हैं। बस इसे ही हम आगे और बनाते जाएंगे। इसमें कम से कम 6 लाइनें और हम नीचे बनाएंगे अभी। और ये ऊपर से कैप का शेप इसमें आ गया है ट्रायंगुलर। तो अब हम इसे यहीं से एक चेन बनाकर इसमें बनाएंगे। बस यही 2 स्टिचेस को हम आगे बुनते जाएंगे, वापस एक चैन बनाकर। ये इसकी लेंथ इनफ हो चुकी है, 6 बार और हमने इसे ऊपर बुना है ये। और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी इस तरह से कैप मुड़कर आएगी। अब हम इसके नीचे से वाइट से फ्रिल बनाएंगे। तो ये सेंटा का कैप एंड फेस रेडी हो गया। अब इसकी हम बियर्ड इधर से बनाएंगे, उसके बाद बाकी की बॉडी बनाएंगे। बियर्ड के लिए वापस हम इसमें वाइट थ्रेड कनेक्ट करेंगे। तो ये हम कनेक्ट करेंगे इस साइड से, जहाँ से हमारी कैप ख़त्म हो रही है। बस इसके बाद हम एक स्टिच छोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टिच से इसे कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम सेम एक स्टिच छोड़ के यहाँ तक हम इसे बियर्ड बनाएंगे इसकी सर्कल में। तो आइए देखते हैं कैसे बियर्ड बनाएंगे। ये वाइट थ्रेड को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमें यहाँ पे मिल गया एक, 2 चैन हमने बना दिए स्टिच से। अब हम इस वाली स्टिच के अंदर, सिंगल स्टिच के अंदर हम 6 बार स्टिचिंग करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये हमने 6 बार इसमें बना लिए। अब हम एक एक स्टिच छोड़ने के बाद अगली के अंदर हम वापस 6 बार बुनेंगे। लेकिन उसके लिए हम पहले एक सिंगल नॉट से इसे सिंगल सिंगल क्रोशिया से इसे कनेक्ट करेंगे यहाँ से। फिर वापस हम इसे
छह स्टिचेस बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया से, छ 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 बार बना लिया हमने इसके अंदर। अब हम वापस एक स्टिच छोड़ने के बाद नेक्स्ट के अंदर पहले इसको हम एक सिंगल स्टिच से कनेक्ट करेंगे, और अब हम इसके अंदर वापस 6 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 6 स्टिचेस बनेंगे इसमें, तो ये यहाँ पे हमारा एक राउंड बनके कंप्लीट हो गया बियर्ड का। अब हम इसके ऊपर से दूसरा राउंड बनाएंगे, लेकिन ये यहाँ तक बना है तो इससे एक एक कम बनाएंगे हम, यहाँ से और यहाँ तक बनाएंगे। दूसरी लेयर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरे नंबर से, तो यहाँ से हम इसे यही थ्रेड हम सीधे यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये पॉइंट पर हम लेके गए हैं, और सेम उसी तरह से हम सेम पॉइंट के अंदर से 6 बार स्टिचिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इस तरह से आया है, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से कनेक्ट हुआ है, तो ये ऐसे रहेगा, और इसी तरह से हम आगे इसको यहाँ तक बनाएंगे। वापस हम ये यहाँ पे इसके सामने बनाए, वापस हम यहाँ पे बनाएंगे सेकंड इसके सामने बनाएंगे, तो हम दूसरा यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा सेकंड राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर से एक और राउंड बनाएंगे बियर्ड की। तो ये हमने एक नीचे तक इससे बनाया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। वापस अब हम एक यहाँ से स्टार्ट करके इसको इस एंड पे ख़त्म करेंगे, तो इतने में हम बियर्ड बनाएंगे। ये 3 राउंड बियर्ड बनकर कंप्लीट हो गई है, बट मुझे लग रहा है कि इसमें एक और राउंड बन सकता है, तो एक और छोटा सा राउंड हम यहाँ पे बना देते हैं तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो सेम इसी तरह से जैसे हमने अभी तक बनाया वैसे ऊपर से भी बनाएंगे इसमें, यहाँ से यहाँ तक हम छोटा सा और थोड़ा सा बना देंगे इसमें बियर्ड, तो ये और फेस भरा भरा लगेगा। तो इस तरह से बियर्ड बनकर कंप्लीट हो गई है सेंटा की। अब हम इसकी मुस्टैच बनाएंगे। तो इस तरह से ये सेंटा की बियर्ड बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी मुस्टैच यहाँ से बना देंगे इस तरह से, इसी के ऊपर से इस शेप में, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद अंदर हम इसमें लिप्स बना लेंगे और ऊपर आइज़ बना लेंगे। तो पहले मुस्टैच बना देते हैं। ये सेंटर है हमारा फेस का, ये सेंटर रहेगा इसका, इस पर मार्क कर देते हैं हम, ताकि यहाँ तक हमें बनाना है, हमें याद रहे। ऐसे हमें शेप देना है मुस्टैच को इधर से और इधर को नीचे, ये सेंटर पॉइंट रहेगा, और यहाँ से नीचे एक एक स्टिच इस तरह से निकाल कर इसके सेंटर तक ले जानी है। इस तरह से
सेंटर जो पॉइंट था वहाँ तक हमने मुस्टैच को बना लिया इसकी। अब यहाँ से हम नीचे को बनाएंगे वापस, इधर इस एंड पे हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये हम मुस्टैच इस तरह से लेकर आए हैं। अब वापस इसके ऊपर से हम क्रोशिया बनाकर लेके जाएंगे, डबल डबल क्रोशिया बुनेंगे हम इसके ऊपर से। एक और राउंड इस पे हम बनाएंगे अपोजिट साइड में सेम तरीके से। ये बन गई है सेंटा की मुस्टैच, मेरी बहुत क्यूट बनी है और बहुत इजीली बनी है। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट सुई से सिलकर भी बना सकते हैं ऐसे, इस तरह से, अगर क्रोशिया से नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ पे कट कर देंगे थ्रेड को। और इसे बैक साइड में निकाल लेंगे। ये मुस्टैच बनकर रेडी हो गई है और बियर्ड भी बनकर रेडी हो गई है सेंटा की। अब माउथ एंड फेस आईज बनानी बाकी है। अब हम यहाँ पे इसका जो फ्रिल होता है वो बना देते हैं। इसके लिए हम वाइट थ्रेड कनेक्ट करेंगे। ये थ्रेड ले लिया, इसके अंदर दो चैन हम बुन देंगे। इसी नॉट के अंदर हम 10 स्टिचेस बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 स्टिचेस बना लिए इसी नॉट के अंदर हमने। अब हम इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे। ये थ्रेड को इस तरह से पुल करके हमें वापस इस पे कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा बन गया सर्कल। तो ये बनकर इस तरह से हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है पूरा। हम थ्रेड को डिसकनेक्ट कर देंगे और अंदर की तरफ इस थ्रेड को छुपा देंगे। यहाँ पे हमें लिप्स बनाना है इस एरिया में, तो यहाँ से हम थ्रेड कनेक्ट करेंगे। तो ये थ्रेड हमने कनेक्ट कर लिया इस तरह से। एक नॉट इस पे निकाल लेंगे हम इस तरह से साइड से। ये बनकर आ गया है। अब हम इसे सिंगल सिंगल क्रोशिया से इस तरह से राउंड में इसमें बनाते जाएंगे ताकि इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेड शेप दे सके। ये पूरा सर्कल में हमने बनाकर रेडी कर दिया है। ये इसके लिप्स कंप्लीट हो गए। अब हम थ्रेड को यहाँ से डिसकनेक्ट कर देंगे। ये लिप्स बनकर रेडी हो गए हैं सेंटा के। और अब आईज हम बनाएंगे इसकी। तो ये दो जगह पे हम इसके आईज बनाएंगे। ये हमारा सेंटा बनकर रेडी हो गया फेस। आप चाहें तो सिर्फ इतना भी इसे बना सकते हैं और इसे इतना ही बनाकर भी क्रिसमस ट्री
फिर डेकोरेट कर सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं एज अ बैच, बच्चे के क्लोथ में लगा सकते हैं, और चाहे तो इसकी पूरी बॉडी नीचे ड्रेस भी बना सकते हैं। तो चलिए इसकी ड्रेस बनाते हैं। घंटा का फेस है फ्रंट साइड, तो इतने एरिया में हम बनाएंगे इसे। 6 स्टिचेस हम यहाँ से बनाएंगे। तो पहले यहाँ से हम थ्रेड को कनेक्ट कर लेते हैं। यहीं से हम एक पहला नॉट ले लेंगे। ये हो गया फर्स्ट नॉट। ऐसे सेकंड पे बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ये यहां से हमने ऐसे स्टार्ट कर दिया। टर्न करेंगे। अब हम हर स्टिच के अंदर 2 बार स्टिचिंग करेंगे। हर नॉट के अंदर 2 बार स्टिचिंग करेंगे। 1 एंड 2। वापस टर्न करेंगे। फिर से हम ऐसे बनाएंगे। हर स्टिच के अंदर 2 बार स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी तीसरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब हम एक चेन बनाकर अब हम हर नॉट के अंदर सिर्फ एक एक स्टिचेस बनाएंगे, डबल डबल नहीं बनाएंगे। अब ये इस तरह से आ गया है। अब हम सिंगल सिंगल स्टिचेस में बनाएंगे। अब इसका लोअर हम बनाएंगे। तो यहाँ हम बैक साइड से सेकंड लाइन से हम लेग्स के लिए कनेक्ट करेंगे, लोअर पार्ट के लिए। तो ये मिडिल में हम दोनों पैर लेंगे इस तरह से। तो इसमें टोटल 16 स्टिचेस लास्ट लाइन में बने हुए हैं हमारे, जिसमें हम कॉर्नर से 4 स्टिचेस छोड़ देंगे। 1 2 3 एंड 4। और यहाँ से हम 3 स्टिचेस बनाएंगे लेग के लिए। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे थ्रेड को। तो ये कनेक्ट हो गया थ्रेड। ये हमने 2 चैन यहाँ पर बना दी हैं। ऐसे ही हम सेकंड में बना लेंगे। One, 2 and 3। अब हम चेन बनाकर इसे टर्न करेंगे और इसी तरह से इसे ऊपर बनाते जाएंगे। आई थिंक दिस इज इनफ लेंथ। और यहाँ पे हम अब इसे कंप्लीट कर देंगे रेड थ्रेड को डिसकनेक्ट करके। वाइट थ्रेड इसमें कनेक्ट कर देंगे हम। और इस तरह से सॉक्स और शूज का शेप इसे दे देंगे थोड़ा सा इस तरह से। और ये थर्ड लाइन बना के हम इसे इस पे 2 चैन बना देंगे आगे से। पहले तो इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है इसे। अब हम इसमें आगे 2 चैन और बुन देंगे। 1 2 3
एंड टू, ये इसको शू का शेप दे देगा। तो इसके शूज़ के लिए हमें ये पहला वाला नहीं बुनना है, दूसरे के अंदर हमें ये बनाना है। ये एक्स्ट्रा बन गया इस तरह से, इस तरह से इस साइड से ये एक्स्ट्रा बन गया है। आप चाहें तो थोड़ा और इसे बना सकते हैं आगे, बट मैं इतने पे ही इसे एंड कर दूंगी। तो इस तरह से ये बन गया है सेंटर, एक पैर इसका बन गया है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा पैर भी कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ से हमने कनेक्ट किया था इसको सेकंड लाइन से, यहाँ पे बीच का एक नॉट छोड़कर अगले नॉट से हम वापस इसमें थ्रेड कनेक्ट करेंगे और इससे तीन स्टिचेस बुनकर इसी तरह से आगे बनाएंगे। रेड कलर से हमने 6 लाइनें बनाई हैं इसमें, और उसके बाद 3 लाइनें बनाई हैं वाइट कलर से। तो ये हमारे बड़े से सेंटा बनकर रेडी हो गए हैं, और ये बहुत क्यूट बने हैं और बहुत कम टाइम और बहुत कम ऊन में बने हैं, और बच्चे डेफिनेटली इसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। इस तरह से बहुत से सेंटा आप बनाकर बच्चों को क्रिसमस पे गिफ्ट कर सकते हैं, तो बच्चे बहुत खुश इससे हो जाएंगे। और ये बहुत ईजी भी है बनाना, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है इसलिए बहुत कम टाइम में बहुत सारे बन सकते हैं। एक दिन में आप आराम से 5-7 बना सकते हो उसे इजीली बाकी काम करते हुए, और ये गिफ्ट भी कर सकते हो। तो क्रिसमस के लिए इससे बेटर गिफ्ट नहीं होगा बच्चों के लिए कोई, लिटिल सेंटा, और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ये हमारे लिटिल सेंटा बनकर रेडी हो गए क्रोशिया से, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।